नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरा हमारा ये नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी, जो हम पोहे से बनाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की ये आसान सी टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज का नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 कप पोहा। पोहा को अच्छे से 3-4 बार साफ पानी से धोया और उसके बाद मैंने छन्नी में 5 मिनट के लिए रख दिया। तो इससे क्या होगा, पोहा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ के आलू को हम ग्रेट करके डाल देंगे। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था पहले, और बॉईल करने के बाद हम ग्रेट करके डालेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर मैश करके भी डाल सकते हो। डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पर मसाले। तो सबसे पहले हम डाल देंगे 2 चम्मच प्याज बारीक चॉप किया हुआ, 2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे शिमला मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, साथ ही डालेंगे हम 2 चम्मच गाजर। गाजर को भी बिल्कुल बारीक चॉप करके हम डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। डालेंगे हम यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 3 पिंच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी, लेकिन हल्दी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/2 चम्मच गरम मसाला, साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा जैसे आपको पसंद हो, 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके हम डाल देंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे चाट मसाला, इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। बस 1 चम्मच हम डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम टाइट हाथों से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे साबुत जीरा, साथ ही डालेंगे हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अच्छे से ये बाइंड हो गया है। एक कटोरी में मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम पतला घोल हमें ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो स्टेप है ना, ये बिल्कुल करना ऑप्शनल है। आप सीधा टिक्की बना के भी फ्राई कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड को मिक्सी के जार में डाल के ब्रेड क्रम्स बना लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो सबसे पहले हम हथेली में लगा लेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा हम स्टफिंग हाथ में उठाएंगे और टिक्की के शेप में बना के तैयार कर लेंगे। लेकिन शेप आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हो जो आपको पसंद हो। तो देखिए पहले हम गोल करेंगे, थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, फिर हम कॉर्नफ्लोर वाले घोल में डिप करके ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम सभी नाश्ता पहले तैयार कर लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। तो अच्छे से हमें ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से दोनों ओर से अच्छे से दबाते हुए लगा लेना है। तो इसी तरीके से हम बाकी टिक्की भी बना के तैयार करेंगे। पहले साइज छोटे बड़े जैसे मर्जी आप यहाँ पे कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और इस नाश्ते को अगर आप घर पे ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आप चाहे तो यहाँ पे मैदे को भी घोल बना के तैयार कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया है। तो अच्छे से ब्रेड क्रम्स में हम लपेट के रख लेंगे साइड में। अब हम एक पैन में ले लेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए हम एक एक करके नाश्ता इसमें डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम में हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और 2 मिनट एक तरफ पहले फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद एक एक करके सभी नाश्ता हम पलट के फ्राई करेंगे दूसरी ओर भी। तो एक हम चम्मच ले लेंगे और चम्मच से हम पलट देंगे।
तो दूसरी ओर भी हम फ्राई कर लेंगे कलर चेंज हो जाने तक। एक बार आप इस तरीके से नाश्ता बना के खाएंगे ना, आप हफ्ते में 4 दिन इसी तरीके से बनाएंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत ही कम मसाले में हमारा टेस्टी ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। बस एक बार ज़रूर बनाइएगा आप। 5-6 मिनट हो गए हमें नाश्ते को फ्राई करते हुए, और देखिए दोनों ओर से बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। निकाल लेंगे हम और इसी तरीके से बाकी नाश्ता भी फ्राई कर लेंगे। और ये नाश्ता देख के जितना ज़्यादा आपको टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के नाश्ते की रेसिपी ज़रूर बना के देखिएगा। देखिए ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो रेसिपी एक बार बनाइए, खाइए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।